सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारे न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं दही बड़े, जो कि बिल्कुल यूनिक स्टाइल से मैं आज आपको बताऊंगी, जिसको हम भंगार दे के तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर पसंद आया आपको लोगों को तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स बताइएगा, ताकि मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं दही बड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने आधा किलो हमने ये दही लिया है, 500 ग्राम हमारा दही है, और हमने एक कप हमने बेसन का लिया है, एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने इस तरह काट लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ये ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून या हद पे ज़रूरत नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, और तकरीबन 5 से 6 हमने हरी मिर्चें ली हैं, और ये हमने टाटरी ली है, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हमने टाटरी ली है सिट्रिक एसिड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ये बेसन घोल लेंगे। बेसन को हमने पहले ही छान लिया था छन्नी से। अब इसमें हम ये पानी डालकर इसको घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है, कहीं पतला ना हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको घोल लिया। अब इसमें हम ये तमाम मसाले डाल रहे हैं, हरी मिर्चें, लाल पिसी हुई मिर्च, ज़ीरा, नमक, सब चीज़ें हमने डाल दी इसके अंदर, और साथ ही हम ये प्याज भी डाल रहे हैं। अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी इसमें हमने और ऐड करना है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सख्त लग रहा है। अभी अच्छे से घुल चुका है, इसको हम एक तरफ रख देंगे अभी। अब हम दही को छन्नी की मदद से इस तरह छान लेंगे। हम जब इस तरह छानते हैं तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। या तो आप इसको जूसर मशीन में ग्राइंड कर लीजिए, और अगर ग्राइंड नहीं कर सकते तो आप इस तरह इसको छन्नी से छान लीजिए, इसका बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। और एक भी बबल वगैरह इसके अंदर नहीं रहता। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल रहे हैं, ये 1/2 कप के बराबर, ताकि ये बिल्कुल ज़्यादा सादा सख्त भी दही बड़े अच्छे भी लगते। ये देखिए, ये बिल्कुल सही पेस्ट है इसका। अभी हमारा दही भी तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा टाटरी डाल रहे हैं 1 चुटकी के बराबर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दही बड़ों का। अगर 1 चुटकी टाटरी आप बिरयानी में भी डालते हैं तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हलीम में भी आप 1 चुटकी डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और दही बड़ों में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अभी हमारा दही तैयार है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने इसकी इनकी फुलकियाँ बनानी है। बहुत जल्दी और
झटपट बन जाते हैं ये दही बड़े, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा चीज़ों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया जो मैं घर में आम यूज़ करती हूँ चीज़ें। नॉर्मली मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप उन्हीं चीज़ों से बनाएं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से भी चीज़ का वो जायका नहीं रहता। ये बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब इन्हें हम पलटते रहेंगे। अब देखिए हो गए, इनको हमने एक एक करके उठाना है और इस तरह अपने दही वाले बोल में डालना है। देखिए ये सब इसमें ही डूब चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये भगवान लगाते हैं। अब देखिए 3 चम्मचों के बराबर इसमें, अब देखिए भगार देने के लिए हमने 3 चम्मचों के बराबर हमने इसमें ऑयल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है इसमें हमने। और हम ये जीरा डाल रहे हैं, 1 टीस्पून हमने जीरे का डाला है। अब देखिए जीरा ब्राउन हो चुका है, इसे हम डालते हैं। ये हमारे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हैं, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मैंने आपको बताए हैं। अक्सर दोपहर के खाने में चावलों के साथ ये सर्व किए जाते हैं। आप कुछ नहीं, सिंपल चावल आप बॉयल कीजिए, उसके साथ आप ये खाइए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। और इसके साथ अक्सर अमूमन लोग लहसुन की चटनी का इस्तेमाल करते हैं। लहसुन की चटनी डालिए या आप ये दही बड़े मसाला पाउडर डालिए, जो आपका दिल चाहे वो डालिए। लहसुन की चटनी मैंने 3 चमचे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों के लिए है, तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के लिए थे और 1/2 टीस्पून के बराबर मैं नमक लिया था और 1 टेबल स्पून के बराबर जीरा लिया था। उन सबको मिलाकर इसको मैंने पीस लिया। इस तरह ये चटनी तैयार हो गई। आप चटनी इसमें इस्तेमाल कीजिए या दही बड़े मसाला पाउडर इस्तेमाल कीजिए, जो आपका दिल चाहे वो इस्तेमाल कीजिए। बस ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। दोपहर के खाने में अक्सर इसी तरीके से इसको खाया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। आप अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।